तो वहीं डीएवीवी का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, जिसमें शामिल होकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने छात्रों को गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि सौंपी है। इस दौरान छात्रों को शपथ भी दिलाई गई। दीक्षांत समारोह का आयोजन डीएवीवी के खंडवा रोड स्थित तक्षशिला परिसर के ऑडिटोरियम में किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने लगभग 140 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि दी, तो वहीं 185 गोल्ड मेडल स्टूडेंट्स को सौंपे। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी और कुलपति डॉ. रेणु जैन दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों और अभिभावकों को बेहद खास संदेश दिया। आज का दिन आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही शिक्षकों, अभिभावकों और उन सभी के लिए भी है जिन्होंने आपका शिक्षित और संस्कारित बनाने में सहयोग किया है। आपने यह प्रतिज्ञा लिया है, माँ बाप की भी कैसे देखभाल करें, मातृभूमि के लिए भी आवश्यक सेवा करें, वो आपने प्रतिज्ञा में लिया। यहाँ आज ऐसा भी बताया गया कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को भी याद किया और उषा जी ने बताया कि अपने घर में फोटो लगाना। कई लोगों ने ताली भी बजाई, मैं सबके वहां में देख रहा था किसने किसने ताली बजाई है, और सभी के घर में देखने आऊंगा। सही मात्रा में फोटो लगाए। मंत्री उषा ठाकुर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जो शपथ हमने ली है ये सच्ची साधना है। कहना चाहती कि हम सब जानते हैं कि ये जो शपथ आज हमने ली ये सच्ची साधना है। साथियों, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है। आदरणीय जोशी जी ने सत्य सनातन परंपरा के सारे वैदिक वेदों के उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत किए। मेरी भी करबद्ध प्रार्थना यही है कि हम कालजयी विश्वजयी इस भारतीय संस्कृति के सद्गुणों को पहचान कर अपनी रग रग में समाहित करें और मानवता का श्रृंगार करें। आज आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको जीवन भर आप कैसे निभाएंगे ये आपको तय करना होगा। साथियों, हम ज्ञान बेशक अर्जित कर लें पर यदि उस ज्ञान को प्रज्ञान में हम परिवर्तित नहीं करें तो मुझे लगता है कि फिर ये डिग्रियां निरर्थक साबित ना हो जाएं। मैं आपसे मीडिया से बातचीत करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। हम सबका सौभाग्य है यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने जो नियत तय किया है कि हमारे अपने हर महाविद्यालय के साथ जो खास करके विश्वविद्यालय कैंपस है वहाँ दीक्षांत समारोह होना चाहिए, और इसी नाते से माननीय महामहिम प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रत्येक दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि वो समय चला गया जब 2-4-5 साल तक 10 साल तक दीक्षांत समारोह कभी कभार एकाध हो जाता था, अभी लगातार है। जैसे आज अपना ये देवी अहिल्या का हुआ है, कल हमारा इंडेक्स मध्यांचल यूनिवर्सिटी के रूप में जिसको इंडेक्स मेडिकल कॉलेज था इसका नाम बदला है, अवंतिका विश्वविद्यालय 2 प्राइवेट विश्वविद्यालय का है, परसों महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय का है, 2 अप्रैल को विक्रम विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। कुल मिलाकर के शिक्षा दीक्षा के माहौल में सकारात्मकता बनी रहे, छात्रों को डिग्री के उपरांत उत्साह उमंग बना रहे, और नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार का स्वस्थ वातावरण होना चाहिए वो सब देने का प्रयास किया। मुझे प्रसन्नता है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हमारे उन विश्वविद्यालयों में से है जिसका पूरे देश में एक विशेष सम्मान है।
कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय देश की जो एक अग्रगण्य सूची है उसमें इसका स्थान दिलाएं। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।